दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली के आउट होने पर भड़क उठे महेंद्र सिंह धोनी। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली अर्धशतक लगाने से पहले ही कैच आउट हो गए और ऐसे में उनके विकेट को देखकर महेंद्र सिंह धोनी काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए। MS धोनी ने विराट कोहली के खिलाफ जहर उगलते हुए उनको खरी खोटी सुनाकर जमकर फटकार लगाई और एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार विराट कोहली के आउट होने पर महेंद्र सिंह धोनी ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन महान बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की स्थिति नाजुक हो चुकी है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी कर 469 रन बनाने के भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 296 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, तो वहीं 173 रनों की बढ़त को 444 रनों के लक्ष्य के रूप में भारतीय टीम को जब दिया गया तो भारतीय टीम ने चौथे दिन की समाप्ति तक 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। लेकिन इसके बाद अंतिम दिन विराट कोहली से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली ने खराब बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले के अंदर 49 रनों की पारी खेली और पांचवें दिन मात्र 5 रन ही जोड़ पाए और स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो गए थे। और ऐसे में विराट कोहली के विकेट के बाद MS धोनी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में विराट से हमें काफी ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब चलता है तो सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विराट ने भारतीय टीम को कई मुकाबले जिताए हैं, लेकिन इस मुकाबले में विराट ने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसकी हमें बिल्कुल भी अपेक्षा ही नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से लगातार रन देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में उनके द्वारा जो बेहतरीन बल्लेबाजी की बधाई खराब बल्लेबाजी देखने को मिली है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। हालांकि विराट कोहली के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास सबसे बेहतरीन स्किल है, फिटनेस मौजूद है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में वो नाकामयाब रहे हैं। विराट कोहली से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय समर्थकों को उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में विराट कोहली भारतीय टीम के समर्थकों की सबसे बड़ी उम्मीद थे, क्योंकि सभी को मालूम था कि जब जब भारतीय टीम को जीत की आवश्यकता पड़ी है तो विराट कोहली ने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम किया था और इस मुकाबले में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन विराट कोहली ने इस मुकाबले में सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एक ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसको देखकर हम भी अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर अंतिम दिन जीत दर्ज कर ही लेगी, लेकिन विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे का मैदान पर मौजूद होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन विराट कोहली ने जल्द से जल्द साथ छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुकाबले में आगे कर दिया है। ऐसे में भारतीय टीम की हार के असली जिम्मेदार विराट कोहली रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार के जिम्मेदार कौन है, विराट कोहली या फिर कोई और? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।